तो नाम क्या, उसका नाम है SC ST। ठीक है, SC ST मतलब SC का मतलब अनुसूचित जाति है ना, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, SC ST आपराधिक, आपके इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, SC ST अत्याचार आपके निवारण अधिनियम 1989 दोस्तों, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में कहते हैं अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, इसके तहत दोस्तों जो मामले दर्ज हुए हैं उसकी रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों आपके जो भी दोस्तों आपके मामले से जो भी केस दर्ज हुए हैं आपके उसकी रिपोर्ट जारी हुई है। और यहां पर दोस्तों आपके एससी तो पूछूं आपसे, एससी मतलब रसगुल्ला अनुसूचित जाति की बात करूं आपके, इनके खिलाफ इनके पूछूं आपसे इनके खिलाफ जो अपराध हुए, इसके सर्वाधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुए छापा। ठीक है, यूपी के अंदर एससी के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक जो मामले वो दर्ज हुए आपको नोट करना। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपके कुल मामलों का 24% जो केवल यूपी के अंदर है ये आपको नोट करना। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके नंबर दो पे कौन, आपके राजस्थान नंबर दो पर कौन है, राजस्थान नंबर दो पर है और मध्य प्रदेश आपका नंबर तीन पर है, ये आपको नोट करना। ठीक है, तो एससी के खिलाफ आपके एससी के खिलाफ जो अपराध हुए हैं उसके मामलों के अंदर यूपी पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर और एमपी आपके तीसरे स्थान पर। ठीक है, और वहीं दोस्तों एसटी के खिलाफ पूछा, एसटी के खिलाफ अपराध जो हुए, एसटी के खिलाफ अपराध जो हुए इस अपराध में पहले स्थान पर कौन सा आपके, इसमें पहले स्थान पर आपके मध्य प्रदेश आपको नोट करना। ठीक है, एसटी के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, ये आपको नोट करना है। और दूसरे स्थान पर यहां भी कौन है, राजस्थान दूसरे स्थान पर। ठीक है, एससी में यूपी पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर। ठीक है, एसटी में एमपी पहले स्थान पर और राजस्थान दूसरे स्थान पर आपको छापना। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक बात और लिख कर दी आपके, जितने भी मामले दर्ज हुए उसमें से 15% झूठे मामले। ठीक है, तो जितने मामले दर्ज हुए आपके इसमें एक बात और लिख के दी आपके कि 15% जो है वो झूठे मामले जो है यहां पे दर्ज हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी मामले दर्ज हुए इस एक्ट के अंदर उसमें से 15% जो है झूठे मामले हैं, ये भी यहां पर लिख कर दिया। ठीक है, लिखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर एक ठीक आंसर है, उत्तर प्रदेश आपका ठीक आंसर है। अच्छा, आपसे अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों यहां पर कि भाई साहब दोस्तों ये जो आपके अत्याचार निवारण जो अधिनियम है, आराम से सोच के जवाब देना आपको, यह अधिनियम दोस्तों आपके भारत के संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा बनाया गया। ठीक है, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल से ये आपके अधिनियम बनाया है, 1989 वाला अधिनियम जो है आपको बताना है मुझे, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल से ये अधिनियम बनाया आपको बताना है। ठीक है, हमारा उत्तर